सो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए आर म्यूजिक वर्ल्ड। सो दोस्तों आज मैं आई हूँ गुरुद्वारा, और गुरुद्वारा तो सब लोग एक ना एक बार जाते ही हैं, लेकिन मैं लाइफ में फर्स्ट बार आई हूँ। तो दोस्तों देखते हैं कि कैसा होता है पूरा अंदर का व्यू। तो दोस्तों मैं अंदर आ चुकी हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा गेट था गुरुद्वारे का, और यहाँ पे लेकिन जूता चप्पल खोल करके हाथ धो करके तब अंदर जाना था। तो अभी मैं अपने शूज़ फटाफट उतारने लग गई और उसके बाद मैं चली गई अपने हाथ धोने के लिए। लेकिन उसके बाद वहाँ पे बाबा जी ने हमें एक और बात बताई कि यहाँ पे सभी को सर पे कपड़े बांध कर जाना रहता है गुरुद्वारे के अंदर। तो दोस्तों मुझे भी बता दिया गया था और मैं अपनी पेटी से कपड़े ले ली थी अपने सर पे बांधने के लिए, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने कपड़ों में मैं कौन से कपड़े लूँ। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने एक सिंपल सा स्टॉल लिया था जो मैंने ऐसे ही अपने सर के ऊपर लपेट लिया था। देन उसके बाद में मुझे ये काफ़ी अच्छा सा स्कार्फ मिला था, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, और उसके बाद में मैंने उसे साइड रख दिया और फिर मैं अब चली गई गुरुद्वारे के अंदर। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैं गुरुद्वारे के अंदर आ गई हूँ। वैसे तो यहाँ पे लोग ज़्यादा वीडियो बनाने नहीं देते थे, बट मैंने छुप छुप के फिर भी थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। लेकिन दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि गुरुद्वारे के अंदर का व्यू कितना अच्छा था, गुरुद्वारा इतना अच्छा था, और जा करके सच में बहुत ही मज़ा आया मुझे। और उसके बाद में देन हमें वहाँ पर मिला था गुरुद्वारे का लंगर खाने को, जो कि गाइस रियल में ही काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट था। लेकिन दोस्तों वहाँ का लंगर का टाइम था 4 बजे के बाद, और हम लोग 4 बजे से पहले गए थे, तो फिर भी हमें वहाँ पे मतलब प्रसाद मिल गया था। लेकिन दोस्तों जो भी है, गुरुद्वारे में काफ़ी मज़ा आया हम। लेकिन आप लोग गुरुद्वारा गए हो कि नहीं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।